मुनफरीद अंदाज़ व्लॉग्स में खुश आमदीद। मैं आपकी होस्ट अकीला साकिब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने स्टिचिंग की रूटीन और अपने नन्हे मुन्ने मशीन का सेटअप शेयर करने जा रही हूँ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले कमेंट्स में एक व्यूअर ने बड़े इश्तियाक से पूछा कि आप अपनी मशीन पर कैसे काम करती हैं, और रिक्वेस्ट की कि मैं फुल डेमो दूँ। तो मैं अपने प्यारे नाजरीन को बताती चलूँ कि मैं अपनी मशीन को बैक वक्त मैनुअल भी चलाती हूँ और मोटर से भी चला सकती हूँ। सिंपल सी बात है, जब आप मोटर के साथ मशीन को ऑपरेट करेंगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सेलरेटर या फिर स्टार्टर की ज़रूरत होती है, जो काम करते वक्त आप ज़मीन पर पाँव के नीचे रखते हैं और सिलाई के दौरान इसे दबाते और छोड़ते रहते हैं। स्टार्टर पर पाँव दबाने से मशीन चलना शुरू होगी। आइए मैं अब आपको दूसरा तरीका दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मशीन को बगैर बिजली और बगैर मोटर के चलाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं बेल्ट को हटा लेती हूँ, वो बेल्ट जो बारीक बेल्ट छोटा बेल्ट मोटर के साथ लगा होता है, चक्कर के साथ फिक्स होता है। पहले मैं इसको हटा लूँगी और इसी की जगह पे ये पायदान का बेल्ट फिक्स होगा। इसका नीचे चक्कर होता है, उस चक्कर पर चढ़ाने के बाद जब आप फुट रेस्ट पर पाँव रख कर इसको दबाएंगे तो मशीन चलना शुरू हो जाएगी और ऐसे आप सिलाई लगाने के काबिल हो जाएंगे। सबसे सस्ता तरीका है। अगर आपने एनर्जी सेव करनी है तो आप अपनी एनर्जी देकर मज़े ले सकते हैं, और थोड़ा मशक्क़त तलब काम है, थकावट होती है, लेकिन बिजली चली जाने की सूरत में जब बिजली की सप्लाई ना हो रही हो तो फिर आप अपना काम उतनी ही स्पीड से पूरा कर सकते हैं जितना आप मोटर के साथ कर रहे थे। और ग्रिप और परफेक्शन उतनी ही होती है जितनी कि मोटर में होती है। स्पीड भी बिल्कुल मोटर के साथ बराबर आप जितना इसको चलाएंगे, और मोटर इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं, और मोटर के साथ ज़ाहिर है उसको कंट्रोलर हुआ जो उसको कंट्रोल करेगा। चक्कर इसका और चक्कर के साथ इसका ये बेल्ट फिक्स होता है, ये रहा बेल्ट। और स्टार्टर इसका जो कि आप ज़मीन पे रख के बड़ी आसानी से ऑपरेट करती हैं, और ये रही पावर केबल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए मुनफरिद अंदाज़ व्लॉग। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या जानना चाहते हैं या आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।